नमस्कार दोस्तों, तो मोटोरोला ने अपना बिल्कुल नया थोड़ा सा बजट रेंज में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मोटोरोला G42। इसका नॉर्मल वेरिएंट मतलब जो एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 14,000 रुपीज़। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आपको इसके ऊपर 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और एग्जैक्टली सेम प्राइस में आपको मिल रहा है रेडमी नोट 11 वाला स्मार्टफोन, और दोनों फोन के बीच में जो स्पेसिफिकेशन वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका बजट है 13,000 रुपये के आसपास तो आपको Xiaomi का ए फोन लेना चाहिए या फिर मोटोरोला G42 लेना चाहिए। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में भी मैं पिछले बार कॉम्पिटिशन वीडियो का जैसा गिव अवे रखने वाला हूं, इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जानने के लिए वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के बिल्ड क्वालिटी को देख के। तो इधर दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको टोटली प्लास्टिक बॉडी आपको मिलेगा, और दोनों का ही पीछे का जो बॉडी वो आपको मैट फिनिश टाइप का मिलेगा, कोई ग्लॉसी टाइप का नहीं मिलेगा। तो मोटोरोला G42 ये फोन आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, एक तो ब्लू और दूसरा है रोज कलर मतलब थोड़ा सा गोल्डन कलर पे मिलेगा। और जो रेडमी नोट 11 उसका आपको टोटल 3 वेरियंट मिलेगा मतलब ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ये जो मोटोरोला G42 इसका थिकनेस है 8 मिलीमीटर और इसका ओवरऑल वेट है 175 ग्राम। और जो रेडमी नोट 11 इसका थिकनेस है 8.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 179 ग्राम। तो मतलब इधर हम ये चीज़ कह सकते हैं रिसेंट टाइम में मोटोरोला के बाकी फ़ोन की जैसा ये भी प्राइस रेंज का सबसे हल्का और सबसे पतला वाला स्मार्टफोन है। तो नेक्स्ट अगर दोनों के डिस्प्ले की अगर बात करें, इधर दोनों फोन में आपको मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। मोटोरोला पे जहाँ पर आपको मिलेगा 60Hz का रिफ्रेश रेट, Xiaomi पे आपको मिलेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट। मोटोरोला पे कितना टच सैम्पलिंग रेट है इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन रेडमी पे आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। दोनों का जो डिस्प्ले में नॉच वो आपको मिलेगा डॉट नॉच स्टाइल। रेडमी पे आपको मिलेगा 1000 nits तक का मैक्सिमम ब्राइटनेस, लेकिन मोटोरोला के डिस्प्ले में आपको कितना ब्राइटनेस मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। रेडमी पे आपको डिस्प्ले में मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, लेकिन मोटोरोला के डिस्प्ले में आपको किस कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मतलब इधर हम यही चीज कह सकते हैं दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस रेडमी नोट 11 स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ हाई रिफ्रेश रेट और ब्राइटर डिस्प्ले। तो इसके बाद अगर दोनों के सीपीयू की अगर बात करें तो इधर तो दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, और दोनों का ही अनटूटू स्कोर है 2,40,000 के आसपास। और इसके बाद अगर दोनों के कैमरे की बारे में बात करें, मोटोरोला और रेडमी दोनों पे आपको मिलेगा 58.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, लेकिन रेडमी पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक एक्स्ट्रा सेंसर आपको मिलेगा। दोनों के पीछे आपको डुअल फ्लैश का ऑप्शन है। मोटोरोला का जो सेल्फी कैमरा वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल, उसी जगह पे रेडमी पे आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो मतलब इधर हम एक चीज कह सकते हैं दोनों स्मार्टफोन का जो कैमरा कॉम्बिनेशन उस मामले में जो मोटोरोला G42 वो इधर स्लाइटली बेटर है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मोटोरोला का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वो स्लाइटली बेटर रहता है कंपेयर टू बाकी के फोन, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगर दोनों के वेरिएंट के बारे में बात करें, मोटोरोला G42 बस एक ही वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है जो कि 4GB RAM 64GB मेमोरी। उसी जगह पे रेडमी नोट 11 टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 464GB, 664GB और 6 120GB टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। दोनों पे आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम। मोटोरोला पे जहाँ पर आपको मिलेगा UMCP क्वालिटी का स्टोरेज, मतलब इसका क्वालिटी ऑलमोस्ट UFS 2.1 के आसपास है, लेकिन रेडमी नोट 11 पे आपको मिलेगा UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज, और दोनों पे आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। इसका मतलब अगर आपको बेटर क्वालिटी रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन चाहिए उस मामले में Xiaomi के साथ ही आपको जाना चाहिए। और नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, इधर दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी। मोटोरोला पे आपको मिलेगा 20W का चार्जर, उसी जगह पे रेडमी नोट 11 पे आपको मिलेगा 33W का चार्जर, और दोनों का ही कनेक्टिविटी है USB Type-C। तो मतलब इधर तो ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी बैटरी और चार्जिंग सिस्टम में Xiaomi स्लाइटली बेटर। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों कुछ एक्स्ट्रा फीचर की अगर बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमोस, 3.5mm जैक और एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों पे आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। मोटोरोला पे जहाँ पर आपको मिलेगा IP52 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन, रेडमी पे आपको मिलेगा IP53 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और इधर मैं एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मोटोरोला G42 इसका जो एंड्रॉयड वो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड है। तो अब बार इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो सेम प्राइस पॉइंट में मोटो या फिर रेडमी ये दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में इस नया वाले मोटोरोला G42 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी डिजाइन, दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी कैमरा और स्टॉक एंड्रॉयड ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप रेडमी नोट 11 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी डिस्प्ले,
स्लाइटली बेटर क्वालिटी चार्जर, सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा 2GB एक्स्ट्रा रैम और स्लाइटली फास्टर क्वालिटी रैम आपको देखने को मिलेगा। तो भी देखिए वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं तो देखिए दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, दोनों पे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेगा। लेकिन एक स्मार्टफोन जो सबसे मेन चीज डिस्प्ले, उस मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसेसर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कैमरा उस मामले में मोटोरोला स्लाइटली बेटर है, चार्जर उस मामले में शाओमी स्लाइटली बेटर है, लेकिन जो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर उस मामले में मोटोरोला डेफिनेटली बेटर है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको मोटोरोला के साथ ही जाना चाहिए। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग मुझे बार बार पूछते हो कि आप लोगों का बजट है 13,000 या फिर 14,000 रुपये, और आप लोगों ने बार बार बोला कि आप लोगों को शाओमी नहीं चाहिए, पोको नहीं चाहिए, ओप्पो वीवो नहीं चाहिए, तो कौन सा लेना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस मोटोरोला G42 को ही लेना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन है। तो अभी आप मुझे कॉन्सेप्ट में जरूर बताना कि आप ये दोनों फोन के बीच में कौन सा लेना चाहेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो पे भी मैं पिछले बार कंपैरिजन वीडियो के जैसा डिजिटल गिवअवे रखने वाला हूँ। डिजिटल गिवअवे मतलब 500 रुपए के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का भाउचर, किसी चीज का रिचार्ज, मतलब 500 रुपए के अंदर जो भी हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करने का टोटल 2 रूल है। पहला रूल, इस वीडियो को एक लाइक करना है और अपने कोई ना कोई सोशल मीडिया साइट में इसे एक बार शेयर करना है। और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस वीडियो के नीचे एक पॉजिटिव कमेंट करना है, जिससे कि यूट्यूब उस कमेंट को ब्लॉक ना करे। उसके बाद जैसे इस वीडियो पे टोटल लाइक 100 कंप्लीट हो जाएगा, मैं रैंडम कमेंट पिकर के जरिए आप में से किसी एक का नाम चूज कर लूंगा, जिसका नाम निकलेगा मैं उन्हें पर्सनली मैसेज करके पूछ लूंगा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो चाहिए होगा मैं उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यही होगा गिव अवे का रूल, और मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।